तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फाइनली सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ न्यू TVS रेडियन, और जो रेडियन पहले आता था वो वाला। ये जो ब्लैक कलर का आप रेडियन देख रहे हो, ये ब्लैक एडिशन में आ जाता है, और ये जो ग्रे कलर का रेडियन आप देख रहे हो 110cc में, ये जो वो मॉडल है जो पहले आता था। आज इन दोनों में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो अभी लेटेस्ट रेडियन आया उसमें और पुराने वाले में फ़र्क क्या दिया गया है। और आप लोग अगर फ़र्क सुन लोगे तो हैरान हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक ग्रे कलर में जो TVS रेडियन है वो पहले जैसा ही है, ठीक है। पर ये जो साथ में ब्लैक कलर का रेडियन देख रहे हो, ये आप लोगों को थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। इसमें अब अलग क्या होने वाला है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप लोग स्किप मत करना, स्किप कर दोगे तो आप लोगों को पता ही नहीं लग पाएगा। पहले तो आप इसका लेग गार्ड देख कीजिए, जो आपको स्टील में दिख रहा होगा ना, क्रोम में, ठीक है। और फिर बाद में साथ वाले का लेग गार्ड देखिए, ये आपको पूरा फुल ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। मतलब मॉडल के नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि जो रेडियन है वो ब्लैक एडिशन, मतलब मॉडल नेम है रेडियन 110cc ब्लैक एडिशन, ठीक है। फ़र्क आप लोगों को धीरे धीरे इस वीडियो में पता लगता रहेगा। बम्पर आप लोग देख सकते हो, फुल ब्लैक कर दिया गया है इसका, ठीक है। बाकी फेस लुक वगैरह सेम दी गई है, फ़र्क आप लोगों को धीरे धीरे पता लगेगा, बस वीडियो को देखते रहिए। मीटर में कोई चेंज नहीं है। हैंडल बार आप लोग देख सकते हो, इसका स्टील में दिया गया है, क्रोम में, ठीक है। अब आप दूसरे मॉडल का आप लोगों को हैंडल दिखा देता हूँ, उसमें क्या चेंजेस किया गया है वो आप लोग देख लीजिए। वो कर दिया गया है पूरा ब्लैक है, वो भी स्टील का, मतलब ब्लैक कलर का कर दिया गया है। अब ब्लैक एडिशन का मतलब ही ये होता है कि पूरी गाड़ी फुल ब्लैक, मतलब जेड ब्लैक पूरा, ठीक है। बस लोगो वगैरह सेम आएंगे। हुक आप लोग देख सकते हो, ये भी ब्लैक कर दी गई है, और साथ वाले का जो पहले एक हुक आती थी वो स्टील में आती थी, मतलब क्रोम में, एक तरह से हम इसे सिल्वर कलर तो बोल नहीं सकते। मेन हेडलाइट का जो गार्ड होता है बैक साइड की, उसका भी वो चेंज कर दिए गए, इसको पूरा फुल ब्लैक कर दिया गया है, ठीक है। शॉकर वगैरह चेंज कर दिए, साइलेंसर के ऊपर जो प्लेट होती है उसको भी फुल ब्लैक कर दिया गया है। मतलब ये जो TVS रेडियन था इसको पूरा ब्लैक कर दिया गया, टैंकी वगैरह ब्लैक कर दी। मतलब अगर ब्लैक कलर में आता तो ब्लैक ही था, मतलब कुछ कुछ चीज़ें इसकी चेंज कर दी है। जैसे आप पत्ती देख सकते हो, ये अपनी स्टील की है, ठीक है, क्रोम में, और इसका देख सकते हो आप कैसा कर दिया गया है। बाकी थाई पैड वगैरह सब सेम है, कोई चेंज नहीं किया गया है। बस चेंज ये किया गया है कि पूरा जो रेडियन था, जहाँ जहाँ पर आपको स्टील का क्रोम दिखता था, उसको पूरा कंपनी ने ब्लैक कर दिया गया है, और कोई चेंज नहीं किया। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो प्राइस में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। जो नॉर्मल रेडियन का प्राइस था 90,000 रुपये ऑन रोड प्राइस, विद एसेसरी के साथ में, शीशे, मैट, फुटरेस, जो बेसिक एसेसरी होती है, बस वही है। बाकी जो रेडियन आप लोग ब्लैक में, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है 1,000-1,500 का। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।